नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में, है बद्री वसाल एंड सन्स पे है। हमारे साथ दद्दा है, आरती महोदय हैं, किसान भाई भी हैं और व्यापारी भी हैं। किसान है फिरोजाबाद क्षेत्र के, और अभी की अगर बात की जाए तो आज 26 सितंबर है। टाइम की बात करें तो लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास का टाइम है। मंडी का माहौल अगर देखेंगे तो ये माहौल है फिलहाल में, आमदनी ठीक ठाक दिख रही है, और अगर बिक्री का क्या माहौल रहा है और कैसा इस समय बैलेंस है, तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो दादा, अभी की अगर बात करें 2:30 बजे के आसपास टाइम है, तो क्या माहौल अभी का लग रहा है मंडी में? मंडी में देखो, हल्के आलू की उठान तो डीली है, पोजीशन दबी हुई है, मंडी बैलेंस में। अच्छा, आज क्या मानते हैं, बैलेंस रहेगा या? आज बैलेंस रहेगा, कुछ अंदाज लगभग माने क्या? 25-30 गाड़ी लमसम बैलेंस रहेगा आज। हाँ, आज का तो अभी हमें लग रहा है कि आज ये शनिवार तक कैसे चलेगा बीजा, ये पूरा हफ्ता चलेगा, बीजा का तो डंप हो गया, ऐसे ही चलेगा। अच्छा, आज की अगर बात करें ग्राहकी कैसी रही है मार्केट में? अच्छे आलू के तो अपने रेट है, हल्के आलू खरीदार कम है, हल्के आलू। बीजा पूरा मंडी में डंप पड़ा हुआ, बाहर पानी पड़ गया तो बीजा डंप हो गया मंडी में। अच्छा, बीजा का कोई ग्राहकी नहीं? बीजा का कोई ग्राहकी नहीं। अच्छा, वही जैसे मान लीजिए इस तरीके के जो बीजे आते हैं ये वाले, इनका कोई भी कुछ मांग हुआ है, क्या माहौल है इनका? ये बीजे 4-6 दिन पहले 14-15 रुपए किलो बिक रहे थे, आज बिक रहा है 10-12 रुपए। आज 10-12। अच्छा, आगरा साइड वाले जो अच्छे वाले गुल्ले आते हैं, बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर वाले, एक्स्ट्रा सुपर गुल्ले जो बहुत वीआईपी आएंगे, वो 17-18 रुपए नहीं 15-16, 16.5 ऐसे ये पोजीशन माने। और उस दर्जे वाले वही 16-16.5 वीआईपी गुल्ला 17-18 रुपए 17-18 के। जब वहीं अगर बात कर लें हम लोग हाईब्रिड 37-97 छट्टे, इनका क्या माहौल है? हाईब्रिड वाले तो पोजीशन ढीली है, 37-97 वही बिकेगा 19-20-21 रुपए छट्टे की पोजीशन। वहीं अगर बात करें जैसे अपने लोकल के, कानपुर हो गया, फरुखाबाद हो गया, इन क्षेत्रों से हाईलैंड कंचन ये आलू आता है, सिंदूरी आता है, इनका क्या माहौल चल रहा है? देखो, हाईलैंड जो बढ़िया आलू होगा 23-24 रुपए ऐसे बिकेगा। हाँ, और जो हल्के हाईलैंड है तो उनकी कोई पोजीशन नहीं, वो बिक जाए 18-20 रुपए कहीं 17 रुपए, तो क्वालिटी के ऊपर है, और फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी रेट फर्क ज्यादा है, सब ज्यादा फर्क है। कंचन सिंदूरी का क्या माहौल होगा? सिंदूरी होगी कहीं से 22-23 रुपए तक। लाल आलू पोजीशन सही है, लाल में फिलहाल में कोई ज्यादा दबाव, लाल में ज्यादा, लाल में 1-2 रुपए किलो का दबाव, ज्यादा दबाव नहीं। सफेद हमें लग रहा है कि ज्यादा, मतलब लिवाली थोड़ा सफेद की ज्यादा दिक्कत है, हाईब्रिड में दिक्कत है, हल्के गुल्ले में दिक्कत है। अच्छा अच्छा, अरे आपने इधर उन्नाव क्षेत्र में कोल्ड लोन का क्या माहौल है, कैसा का निकासी? कोल्ड स्टोर में वही 45-50% की निकासी हो चुकी है उन्नाव में, 45-50। अपने उधर क्षेत्र में पक्की वाला करता होगा सारा, कच्ची तो चिप्सोना आलू होता है, वो तो कंटिन्यू निकला करता है, पक्की का करता है, चिप्सोना की बेल्ट है वो, चिप्सोना की है। तो अब दादा क्या लग रहा है, इस महीने की बात करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं, सितंबर में क्या माहौल रहेगा? हम लोग कहें तो नवंबर में कोल्ड स्टोर बंद हो जाते हैं, नवंबर आखिरी में, अब एक महीना बीजा का टाइम चला जाएगा, एक महीने में निकलना है हम लोग के क्षेत्र में तो। अच्छा, बीजा के टाइम पे क्या निकासी का रेशियो रहता है, कुछ अंदाज होगा कितना लगभग निकल? मतलब निकासी का रेशियो मतलब बीजा जितने टाइम निकलता है उतने दिनों में लगभग कितना परसेंट तक आलू निकल जाता है? बीजा तो 20-25% बीजा निकासी होती है, 20-25% अपने क्षेत्र में, अपने तो 20-25% मान लीजिए, अभी 50 तक तो लोगों की निकासी पहुंच गई है, तो राशन का आलू 20-25% अभी है। बड़ा कोल्ड है तो बीजा 20%, छोटा कोल्ड है 25%, उन्नाव में छोटे कोल्ड ज्यादा है, बड़े कम है, बड़े कम है। 25-30% आलू निकलना है जो एक महीना निकलना निकलना। अभी माने तो कब तक नया आलू आने का चांस है? कुछ दिसंबर में आएगा, दिसंबर शुरुआत में, पानी के कारण लेट हो गया, बारिश के कारण। तो इस महीने में अभी लग रहा है कि ऐसे ऊपर नीचे करके माहौल चलेगा? माहौल तो ऐसे ही चलेगा, मंडियों ज्यादा तेजी के साथ नहीं है, मतलब ज्यादा नीचे भी नहीं होगा, ज्यादा नीचे नहीं होगा ना, ज्यादा ऊपर ही जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा तो आवक बढ़ जाएगी, आवक बढ़ जाएगी, 1-2 दिन अगर ऊंचे चला भी जाएगा तो आवक बढ़ जाएगी। अच्छा, लाल आलू के बारे में क्या सोचते हैं? क्या लाल आलू पोजीशन ठीक है? ज्यादा लाल ठीक, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा लाल, लाल तो आज भी मंडी में अपने रेट बिक रहा है लाल, आज भी अपने। तो ये देखिए भैया, व्यापारी भैया इनसे भी बातचीत करेंगे, क्या माहौल है मंडी का और आमदनी वगैरह अभी कैसी है, और भैया के आगे डिमांड भी मार्केट क्या कैसी है। भैया नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संगम प्रसाद। अच्छा भैया, सबसे पहले बात करते हैं बाहर की मंडियों में डिमांड कैसी, मार्केट में मांग कैसी है आलू? देखिए ऐसा है कि अब बीजा का समय आ गया था, माहौल देख के, मौसम देख के जो है बिक्री रुक गई, और आगे जो है जो सफेद आलू है, सफेद आलू भेज दो, टेम्परेचर ये गर्म है तो इसकी वजह दागी बैठ जा रहा है, बिक्री आगे है नहीं। अच्छा, आलू की मांग कौन से आलू की बाहर ज्यादा अच्छे मात्रा में? बाहर इस वक्त मांग है खाली हाईलैंड का, कंचन का, सिंदूरी का। सिंदूरी
तो हमें लग रहा कंचन और आईलैंड सिंदूरी में ज्यादा कोई दबाव भी नहीं है। नहीं नहीं ज्यादा दबाव नहीं, लाल में दबाव नहीं है, लाल में दबाव है, सफेद में, सफेद में है। लाल में अगर देखा जाए तो हमारे साथ 50 पैसे लेके 1 रुपए तक का दबाव है, बस बस बस, लाल में ज्यादा नहीं है। नहीं सफेद आलू जो है हल्के आलू उनके डिमांड तो भैया बेकार है। अच्छा आलू आज भी 22 रुपए 21 रुपए बिकेगा, आज भी अगर अच्छा मिलेगा तो आज भी आदमी लेने तैयार है। हल्के आलू कोई मतलब नहीं है, कोई लेने तैयार है, कोई मतलब नहीं है। तो क्या लग रहा है डिमांड कब से मार्केट में बढ़ेगी, क्या कुछ चांस है अभी? क्या यार देखो ऐसा है कि अब आ गया बीजा का सीजन, अब समझ लो कि 15 दिन बाद जब बुआई वाई फुर्सत होगा तभी जो है डिमांड बढ़ेगी, इसके पहले नहीं, ऐसे चलता रहेगा। और अगर मौसम साथ दिया होता तो अभी तक ये जो है बीजा की बिक्री भी फास्ट होती, बीजा की भी होती है। अभी बीजा का फिलहाल माहौल अभी इस वक्त बीजा की स्थिति गड़बड़ा आ गई है, कोल्ड में बेचारे जो कटाए होंगे वो रखे होंगे, क्योंकि अभी जो है आज 26 है कम से कम 4 दिन भी और लगेंगे, बारिश भी दिखा रहा है। हाँ, 30 तक का बारिश दिखा रहा है, उसके बाद जो है तो अभी किसान भाइयों क्या मंडी में भी बीजा नहीं लाना चाहिए क्या आपके? हमारे हिसाब से तो भैया जो है बीजा ज्यादा नहीं लाना चाहिए। कब से लाना चाहिए भैया आपके अंदाज? वही दो चार तारीख से आना चाहिए। तो देखिए जो भी किसान भाई वीडियो देख रहे हैं उनको फिलहाल में सुझाव एक ही है कि 3-4 अक्टूबर के आसपास मंडी में बीजा लाएं, क्योंकि अभी बीज की जो है बिक्री कहीं बिल्कुल डाउन है, और ज्यादा मात्रा में बीज अगर लाएंगे तो यहाँ मंडी में रखे के खराब होगा और कहीं ना कहीं किसानों का दाम भी घटेगा। देखिए किसान है दादा है ठाकुर साहब है भैया, और जानते हैं कौन से क्षेत्र से हैं और कितना आलू लगाते हैं और अगाई वाला होता कि नहीं होता। भैया नाम बता दिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक ठाकुर है। अपना कौन सा क्षेत्र पड़ता है? जिला फिरोजाबाद है, नारकी क्षेत्र पड़ता है। नारकी पड़ता है, अच्छा भैया अपने क्षेत्र में कुछ कच्ची वाला आलू कुछ लगता है अगाई वाला? नहीं कच्ची वाला अपने यहाँ नहीं लगता है, पक्का लगता है। पक्का, तो पक्का कौन कौन सा अपने क्षेत्र में आलू होता है? पक्का 37-97 होता है, कुछ 20-30% हाइब्रिड भी होता है। लाल वगैरह कुछ होता है? नहीं लाल नहीं होता, लाल वो 10-5% होता है, 10-5%। अच्छा तो आपके क्षेत्र में क्या किस तरीके की निकासी वगैरह कोल्डों में चल रही है? निकासी हमारे यहाँ करीब लगभग है 60% के आसपास। 60% के आसपास, तो क्या मानते हैं पिछले साल से सही है कि कम है? नहीं पिछले साल से सही है। सही है, तो अपने यहाँ तो साउथ की लोडिंग होगी कोल्डों? साउथ की लोडिंग, तो साउथ वाला जैसे मान लो 37-97 कोल्डों में क्या भाव बिक रहा है? कोल्डर में वही चल रहा है 1200-1300-1150। ये जो भाव है ये किसान का दाम है या मतलब कोल्ड वाला इसमें अलग से है? नहीं कोल्ड वाला इसी में है। ये किसान को देना होगा? नहीं किसान को देना होगा इसमें 1150-1200 में। ये कोल्ड वाला भी सहित है, कोल्ड वाला के साथ में है। अच्छा अपने यहाँ कानपुर मंडी में आप लोग बीजा और गुल्ला लाते होंगे शायद? नहीं आज तो LR भी आया था, लॉकर भी आया था, बीजा भी है। अच्छा वो सारी चीज़ें बीजा रुका हुआ है, बाकी आलू बिक चुका है। अच्छा LR वगैरह अपने होता है क्या? नहीं होता नहीं, 2-4% अभी कुछ लोग करने लगे हैं। अच्छा तो LR का क्या माहौल रहता है वहाँ अपने लोकल में? बिकता है कुछ क्या कोल्डों में? नहीं बिकता है। क्या भाव तक बिक जाता है कोल्डों में? अभी वही चल रहा है 1100-1200 पैकेट LR का। LR भी होता है, पंजाब साइड में ज़्यादा होता है LR अगर माना जाए, पंजाब और गुजरात में। तो अभी मंडी में आए हैं आपका आलू बिक गया क्या? हाँ LR और लॉकर बिक गया। क्या भाव में बिका अपना? लॉकर बिका है 20-21 रुपये। 20 रुपये में? 20 रुपये में लॉकर बिका है, 19 रुपये में LR बिका है। ये कई नंबर मानते हैं आलू, कई नंबर क्वालिटी का था? नंबर तो सेकंड ही था, सेकंड तो नहीं था। अच्छा आपने यहाँ ज़्यादा मोटा वाला आलू नहीं आता हमें लग रहा? नहीं ज़्यादा मोटा नहीं होता है, बोल्ड नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये देखिए अगर बात की जाए भैया हैं, भैया से भी इनसे बातचीत करेंगे और जो है बीजा का खरीदारी भी करते हैं, भैया से जानेंगे भी कौन से क्षेत्र से हैं और क्या नाम है जी। भैया अपना नाम बता दिए पहले। प्रमोद शुक्ला नाम है मेरा। अपना यही कानपुर मंडी से ही बीज लोड करते हैं क्षेत्र में भी? नहीं आज तो मैं पहली बार आया हूँ, अभी तक मैं जलंधर और फरुखाबाद वो लगाता था मेरा। हाँ लेकिन आपका वीडियो देख के और भाई साहब की फर्म देख के हमने कहा ट्रायल कर ले। नहीं नहीं बिल्कुल सही है। तो अपना आज कौन से बीज की आपको डिमांड रहती है? अभी तो हाइब्रिड की हमारे यहाँ है डिमांड, हाइब्रिड ही अभी लगाएंगे कच्ची में। अपने यहाँ मतलब हाइब्रिड ही करता है? कच्ची में अभी हमारी तरफ कच्ची चलेगी। कच्ची है, पक्की में तो हालैंड भी लग जाता है, शुगर फ्री कुछ लगाया जाता है। अच्छा अपना कौन सा क्षेत्र पड़ता है भैया? फतेहपुर कौसाम्बी बॉर्डर, फतेहपुर कौसाम्बी। ये हम लोग अगर बात करें तो इलाहाबाद साइड वाले रोड पे। हाँ इलाहाबाद साइड वाले, तो वहाँ पे आप लोग पिछली साल कब लगा दिए थे आलू, कब लग जाता था क्षेत्र में? हम लोगों का 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हाइब्रिड, 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पक्की वाले में जैसे हालैंड है, कुछ शुगर फ्री है, अन्य वरायटी पंजाब से आ गई है, मिल गई। तो अगर माना जाए भैया तो हमें लग रहा है कि अपने क्षेत्र में पक्की और कच्ची लगभग बराबर ही होता है। ऊपर इसी साल थोड़ा सा मौसम के हिसाब से ऊपर वाला ऐसा कही रहा है, नहीं और साल तो डिफरेंस रहा है 15-20 दिन का। 15-20 दिन का
अच्छा हमारे इधर जो तिरवा हो गया, कन्नौज हो गया, वहाँ तो 1 सितंबर को लग जाता है आलू। हाँ आपकी तरफ है, लेकिन हमारे यहाँ जो है 25 सितंबर से और 10 अक्टूबर तक कच्ची और 10 के बाद लगता है। तो अभी क्या हालात है, अभी क्या माहौल लग रहा है, कब तक? अभी तो गड़ाई नहीं हुई है, अब बीज का हम लोग तलाश कर ही रहे हैं। स्वयं कभी बीज रखा है तो आपका वीडियो देखा, बद्री भाई को देखा, फर्म देखा, तो हमने कहा देखे हाइब्रिड। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मंडी में देखिए आइए, और बीज भी आपका लेना है और लेके जाना भी है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मंडी में आगे भी आएंगे तो हालाइन वगैरह का आपसे लेंगे बीज। बिल्कुल आ गए और संयोग से आप भी मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भैया है और भैया देखिए मंडी में बीज का लेने आए, और माहौल अगर देखा जाए तो 3 बजे के आसपास की स्थिति है, आप लोग देख भी सकते हैं। और फिलहाल में जो 1 नंबर क्वालिटी के आलू हैं वो लगभग सब बिक गए हैं, 2 नंबर भी बिक गए हैं, जो बीज हैं वो हल्के फुल्के रुके हुए हैं। बाकी माहौल फिलहाल में मंडी का कहीं ना कहीं अच्छा है, और आज बिक्री अगर देखी जाए तो बिक्री भी फास्ट है। जो बीजा है उसका कहीं ना कहीं बैलेंस है, जो 3 नंबर वाले गड़बड़ आलू हैं उनका बैलेंस है। तो ये स्थिति है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर की। आज की जानकारी पसंद हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।